हेलो गाइस, दिस इज सुखदा कोटक दिस साइड फ्रॉम बी एडुकेयर। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स ऑफ 26 फरवरी 23। सो करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो देर किस बात की, फटाफट कर लो, ताकि आपको हर रोज एक नया लीगल मैगजीन सीखने को मिल सके। साथ ही साथ आप इंग्लिश भी डेली बेसिस पे सीख सके, क्विज के फॉर्म में, एमसीक्यूज के फॉर्म में। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज से। केरला बन गया है पहला ऐसा स्टेट जो रोबोटिक स्कैवेंजर्स लेके आने वाला है मैनहोल क्लीनिंग के लिए। इस रोबोटिक स्कैवेंजर का नाम होगा बंदीकुट, जो क्लीन करने वाला है सीवेजेस जो टेम्पल टाउन गुरुवायूर में है, और बन गया है पहला ऐसा स्टेट जिसने रोबोटिक टेक्नोलॉजी की मदद से मैनहोल्स क्रिएट जो है उसको करने का एंड उसको क्लीन करने का डिसीजन लिया है। ये एक 100-डे एक्शन प्लान है स्टेट गवर्नमेंट का। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया का पोजीशन आया है 42nd इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में। आईपी का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये रैंक आया है उसका अमंगस्ट 55 लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमीज में। एंड इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स रिलीज किया जाता है यूएस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा, जिसके हिसाब से अब इंडिया बहुत ज्यादा धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट रेडी हो गया है कि वो लीडर बन सकता है इमर्जिंग मार्केट्स का, जो अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफर करने का पावर रखते हैं आईपी इनोवेशन की मदद से। इंडिया की साइज और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस धीरे धीरे करके ग्रो होते जा रही है वर्ल्ड लेवल पे, और इसी के वजह से इंडिया एक लीडर बन सकता है इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आईपी ड्रिवन इनोवेशन के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया एंड जर्मनी के बीच में अग्रीमेंट साइन हो गया है जहां पे 6 सबमरीन्स का मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है। ये पुराना रिश्ता है दोनों कंट्रीज के बीच में। इसी में से 2 इंडिजीनियसली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो है वो अवेलेबल की जाएंगी इंडियन नेवी को। एंड इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड वन ऑफ द टॉप इम्पोर्टर्स है जो वेपन्स का इम्पोर्ट करता है। साथ ही साथ नेशनल गवर्नमेंट इंटेंड कर रहा है कि किस तरीके से डोमेस्टिक वेपन प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करके बढ़ाया जाए, ताकि हम अपने फॉरेन पार्टनर्स के साथ भी कोऑपरेशन कर सके। तो मोदी जी ने जब फ्रांस विजिट किया था मई 2022 में, तब फ्रांस की ग्रुप नेवल ग्रुप ने बैकआउट कर लिया था इस प्रोजेक्ट से, बिकॉज उस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट थी जो इंडियन गवर्नमेंट ने रखी थी 2021 में, वो फुलफिल नहीं हो सकी थी। और अब ये मिशन कामयाब रहा है और इंडिया और जर्मनी ने अग्रीमेंट साइन कर लिया है 6 सबमरीन्स को बनाने का। नेक्स्ट न्यूज है, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म को फॉर द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड। ये अवार्ड दिया गया है न्यू दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज है, न्यू डायरेक्टर जनरल क्वालिटी अश्योरेंस अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल RS Ree। ये अपॉइंट किए गए हैं फरवरी 24 को, एंड वो पहले काम कर रहे थे एज अ सीनियर फैकल्टी ऑफ डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस बेंगलुरु। स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर क्विज से। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली ओवरटेक कर लिया है इंडिया को और बन गई है दुनिया की लार्जेस्ट 6th इक्विटी मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने रिसेंटली अडॉप्ट किया है डिजिटल वर्क प्लान 23, कौन से ब्लॉक के साथ मिलके? शाउट आउट टू तन्वी कदम, ज्योति जोशी, रवि पाटिल, नंदिनी मोरे, ममता महाराणा, अनिकेत लोखंडे, प्रिया कलावस्ते एंड रुजुशा, जिन्होंने पिछले वीडियो में करेक्ट आंसर्स दिए हैं। तो आइए देख लेते हैं पिछले वीडियो में क्या क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन था, चर्चगेट रेलवे स्टेशन जो मुंबई में है वो अब रीनेम करके किसके नाम के पीछे रखा जाने वाला है, जिसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसको Entrepreneur of the Year 22 का टाइटल मिला है, करेक्ट आंसर है सज्जन जिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन से पर्सन ने मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल ISSF वर्ल्ड कप 23।
जिसका करेक्ट आंसर है रुद्रांश पाटिल. दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर करंट अफेयर वीडियोस, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि जैसे ही करंट अफेयर का वीडियो लाइव हो जाए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. बी एडुकेयर एक एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट है जो आपको लॉ, MBA एंड बैंकिंग एग्जाम्स के लिए क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर 8383818888 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं.